राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने लिखा, विजय के लिए एक सत्याग्रही ही काफी। पीएम मोदी जल जीवन मिशन को लेकर ग्राम पंचायतों की पानी समिति के सदस्यों से करेंगे बात, जल जीवन मिशन को लेकर देंगे संदेश। पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, प्रभारी पद से हो सकती है कांग्रेस नेता हरीश रावत की छुट्टी, हरीश चौधरी को मिलेगी जिम्मेदारी। मिशन यूपी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रियंका गांधी करेंगी 2022 का चुनावी आगाज। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चाचा भतीजे आ सकते हैं साथ, शिवपाल की नजर में अखिलेश सबसे ऊपर, बोले सपा से गठबंधन उनकी पहली प्राथमिकता। उत्तराखंड में पहाड़ चढ़ने की तैयारी में कांग्रेस, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का टारगेट 700 गांव, आज दलित परिवारों में खाना खाएंगे नेता। राजस्थान उपचुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर तेज, आज होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अरुण सिंह भी होंगे शामिल। चीफ जस्टिस एनवी रमणा की तीखी टिप्पणी, कहा सबको पता है नौकरशाही और पुलिस अधिकारियों का रवैया, छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी की याचिका पर हो रही थी सुनवाई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बुजुर्गों को किया सम्मानित, कहा उम्रदराज लोगों को बूढ़ा कहने की जगह वृद्ध या बुजुर्ग कहें। देश में घटे महामारी के आंकड़े, बीते 24 घंटे के अंदर 24,354 नए केस, 234 मरीजों ने गवाई अपनी जान। भारत की बढ़ेगी ताकत, भारत को खुफिया जानकारी देगा अमेरिका, दोनों देशों के सैद्धांतिक करार को दिया अंतिम रूप। विदेश सचिव श्रृंगला आज 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे, द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों और परियोजनाओं की प्रगति की होगी समीक्षा। महामारी का अमेरिका में सबसे ज्यादा कहर, कोरोना के चलते अब तक 7 लाख लोगों ने गवाई अपनी जान, तीसरी लहर आने की आशंका। पाकिस्तान को सताने लगा पश्तून राज का डर, तहरीक तालिबान से सुलह का रास्ता खोज रहे प्रधानमंत्री इमरान खान। लड़कियों के एजुकेशन के बैन के बाद तालिबान से नाराज कतर, विदेश मंत्री बोले इस्लामिक राष्ट्र बनना है तो हमसे सीखो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर लगी आग, पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 30 पैसे प्रति लीटर और महंगा हुआ डीजल। जनता को लगा महंगाई का झटका, दिल्ली NCR में CNG PNG हुई महंगी, दिल्ली में CNG के दाम 2.28 रुपए प्रति किलो बढ़े। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना, कंपनियों को 3 सप्ताह की मोहलत मिली, एक कंपनी ने सरकार की डिमांड को चुनौती देने का मन बनाया। दिल्ली में पटाखों पर बैन, कारोबार से लेकर रोजगार तक सब पर पड़ेगी मार, दिल्ली में करीब 500 करोड़ का कारोबार। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में करदाताओं को करोड़ों रुपए वापस किए, CBDTI ने कहा 1611 करोड़ 45 लाख रुपए वापस किए गए।